आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। स्थानीय को आरक्षण को लेकर फंसा है बीच। झारखंड में कई पदों पर रुकी हुई है बहाली। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा नियोजन नीति के तहत स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्यादा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य में कई पदों पर नियुक्ति रुक सी गई है। आरक्षण के समान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी पद के लिए शत प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जा सकती है। अगर नियुक्ति हो चुकी है तो यह आदेश से प्रभावित नहीं होगा। इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्यगामी होगा, इसलिए राज्य में पहले शुरू हो चुकी नियुक्ति प्रक्रिया पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले की प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो भी चुकी हैं, कुछ नियुक्ति होना बाकी है। खबर है, झारखंड सरकार बढ़ाएगी टैक्स। झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 2 रुपये और 4 रुपये हो सकता है। खबर है, झारखंड में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 4 रुपये तक महंगा हो सकता है। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने वाली है। इससे संबंधित प्रस्ताव को वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए नई दरें लागू कर दी जाएंगी। प्रस्ताव में दर का संतुलन ऐसा रखा जा रहा है कि झारखंड सरकार को राजस्व भी आए और पेट्रोल डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों से अधिक भी ना हो। सालाना 350 करोड़ अतिरिक्त राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोल में 3% तक वैट बढ़ाने और डीजल में न्यूनतम वृद्धि दर की सीमा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। खबर है, नियमितीकरण का संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मामला अंतिम निर्णय के लिए लटका। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर आ रही है। राज्य के सचिवालयों और विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण का मामला अभी भी अंतिम निर्णय के लिए फंसा हुआ है। इस बीच राज्य के विभिन्न जेलों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के रेगुलर्स की दिशा में बढ़ाया गया कदम भी थम गया है। गृह मंत्रालय द्वारा इन कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बुलाई गई बैठक में सहमति तो बनी, लेकिन पिछले 3 महीने से इस पर आदेश जारी नहीं हो रहा है। इससे अब लाभान्वित होने वाले जेल के संविदा कर्मियों की संख्या लगभग 183 है। इस कारण दूसरे अन्य विभागों या कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों का मामला भी उसी से उलझ कर रह गया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिवहन विभाग के संविदा कर्मी नरेंद्र तिवारी व अन्य बनाम राज्य सरकार द्वारा दिए गए फैसले के बाद राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करनी थी। इसको लेकर पिछली सरकार द्वारा नियमावली का गठन भी किया गया है। सक्षम प्राधिकार और स्वीकृत पद के विरुद्ध 10 वर्ष से कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करना नियमावली की प्रमुख शर्त है। नियमावली की इन शर्तों के कारण राज्य में अब तक 2 ही कर्मियों की सेवा नियमित हो सकी। खबर है, उत्तर भारत में बरस रही है आग। इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। देश में पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से लू की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। 28 मई के बाद ही इससे राहत मिलने के आसार व्यक्त किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज हवाओं की वजह से अगले 5 दिनों तक असम और मेघालय में भारी से भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29-30 मई को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी चल सकती है और बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है। इसी के साथ लोगों को उस भयंकर लू से थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे इन दिनों आम जनता परेशान है। खबर है, राजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। कहा, मैंने एक अभिभावक खो दिया। दोस्तों, खबर आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरमो विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजेंद्र सिंह जी मेरे अभिभावक थे, उनकी छाया में मैं बड़ा हुआ, सदैव उनका मार्गदर्शन
मुझे प्राप्त होता रहा है। उनका यूं चले जाना गहरा दुख दे गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री ने कहा, राजेंद्र सिंह का सभी राजनीतिक दल के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रहा। हमें उनके जीवन काल से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि बेरमो विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन रविवार 24 मई को दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। फेफड़े में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें रांची के बरियातू स्थित रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया था, जहाँ कई दिनों के इलाज के बाद उनका निधन हो गया। खबर है एयर एशिया के एक विमान की हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। दोस्तों, एयर एशिया के एक विमान ने फ्यूल इश्यू के चलते हैदराबाद एयरपोर्ट पर की इमरजेंसी लैंडिंग। इसमें कुल 70 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि जयपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाले एयर एशिया के विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट तब तक हैदराबाद पहुंच चुकी थी। फ्लाइट का हैदराबाद एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। विमान में 70 यात्री मौजूद थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया गया कि तकनीकी दिक्कत विमान के फ्यूल टैंक में आई थी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से 2 महीने तक उड़ानों का परिचालन ठप रहने के बाद 25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू हुई। सरकार ने कुछ नियम और शर्तों के साथ उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी है। खबर, झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप से बेहाल है। आने वाले कई दिनों तक इससे राहत मिलने की संभावना कम है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार हैं। पलामू परमंडल के 3 जिलों के अलावा चतरा में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिला में अगले 48 घंटे तक लोगों को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना होगा। इन जिलों में 25 और 26 मई को तापमान 45 डिग्री तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई को बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और रांची के साथ साथ चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मौसम शुष्क रहेगा। खबर है, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव बढ़ा। डोकलाम विवाद के बाद सबसे बड़े टकराव की आशंका। दोस्तों, खबर आ रही है पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास चीन और भारतीय सेना के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद ये सबसे बड़ा विवाद होगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2,000 से 2,500 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ रहा है। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। हालात को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। इसमें CDS जनरल रावत के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। खबर है, पेयजल मिशन, मिड डे मील समेत कई योजनाओं पर रुक सकता है काम। फंडिंग के चलते अधर में लटका योजना। दोस्तों, कोरोना के संकट के चलते एक तरफ देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है तो अब दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं पर भी ब्रेक लगने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार की फंडिंग वाली सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीमों के तहत 6:4 का अनुपात तय किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार 60% हिस्सा देती है जबकि राज्य सरकारें 40% रकम अपनी ओर से खर्च करती है। कोरोना के संकट के चलते राज्यों की स्थिति खराब है और कई राज्यों का कहना है कि उनकी स्थिति इन योजनाओं की फंडिंग करने की नहीं है। इसके चलते प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील योजना, स्मार्ट सिटी योजना और PM ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों का काम ठप हो सकता है। खबर है, जिस दवा को समझा जा रहा था कोरोना वायरस की काट, WHO ने उसी का ट्रायल रोका।
दोस्तों खबर आ रही है, कल तक कोरोना वायरस के बचाव के लिए जिस दवा को जीवन रक्षक समझा जा रहा था उससे सभी उम्मीद खत्म हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि अब कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल नहीं होगा। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए मलेरिया की इस दवा के ट्रायल हो रहे थे। बताते चले कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वही दवा है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से बचाव का सबसे कारगर दवा माना था।